स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है एलर्जी को ठीक करने वाली बेस्ट दवाएं कौन कौन सी होती हैं, उनमें एलोपैथिक की मेडिसिन कौन सी अच्छी होती है और होम्योपैथिक की मेडिसिन कौन सी अच्छी होती है, उनकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करेंगे एलर्जी, तो एलर्जी जो कि कई वजह से हो सकती है, ड्रग्स की वजह से होती है, पॉल्यूशन की वजह से हो सकती है, या अगर किसी वजह से हो सकती है, कुछ पॉलन एलर्जी भी होती है जिसमें हमारे जो आई होते हैं वो वाटरी हो जाते हैं, कभी कभी हमारे नोज होते हैं वो बहने लगते हैं, तो कुछ मौसम की वजह से भी एलर्जी होती है, स्किन पर रैसे जा जाते हैं, कुछ कीड़े बाइट कर लेते हैं तब भी हमारे स्किन पर रैसे जाने लगते हैं, या कोई दवा ले लिया है तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी एलर्जी हो जाती है, कफिंग में भी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, यानी एलर्जी के द्वारा ही होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे कि अस्थमा के केस में देखा गया है तो वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है, फीवर आना ये भी कभी कभी एलर्जी के जो है वो दौरान देखे गए हैं। तो अगर हम एलर्जी की बात करें होम्योपैथिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो उनमें डॉक्टर के द्वारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट दी जाती है, उनमें कुछ मेडिसिन जैसे कि सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है और लगभग जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है या मेडिकल स्टूडेंट है उनको इन दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए। इनमें सबसे पहले मेडिसिन है सिट्रिजिन। सिट्रिजिन चूँकि एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, एलर्जी को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि आपकी बॉडी में खुजलाहट हो रही हो या आपके बॉडी में खुजलाने की वजह से रेडनेस आ गए हो, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन उपयोग की जाती है। अगर इसे हम सुपीरियर की बात करें तो लिबोसिट्रिजिन होती है। लिबोसिट्रिजिन भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट मेडिसिन की तो वो है मोंटिल्यूकास्ट सोडियम और लिबोसिट्रिजिन। ये कॉम्बिनेशन में आती है मोंटिल्यूकास्ट, जो ये काफ़ी ज़्यादा एलर्जी उस कंडीशन पर दी जाती है जब किसी को अस्थमा हो या कफिंग की प्रॉब्लम हो या उसकी बॉडी में रैसेज डेवलप हो रहे हो, तब ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा उपयोग की जाती है। फेस्कोफेनाडिन उस कंडीशन में दी जाती है जब सीवियर एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, यानी आपके जो चेहरे पे या कहीं हाथों में काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो गई हो या आपने कोई दवा ले ली हो, तो उस कंडीशन पे दी जाती है। वहीं अगर दूसरे मेडिसिन की बात करें तो वो है एविल फेनिलामीन मैलेट, जो कि एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है। ये एलर्जी को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है, जब कोई मान लें कि अगर कोई कीड़े ने काट लिया या किसी प्रकार की अदर जो है वो कीट के परजात जो है वो बाइट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो एलर्जी होती है या किसी ड्रग्स की आपको एलर्जी हो गई हो, तब एविल जो है वो दी जाती है। इनके साथ कुछ स्टेरॉयड मेडिसिन भी साथ साथ में दी जाती हैं, जिसमें डेक्सामेथासोन की मेडिसिन जो आती है इसको भी एलर्जी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कॉम्बिनेशन में दी जाती है। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें तो जैसे कि आपने बेटनिसाल सुना होगा, प्रेडनिसोलोन सुना होगा और डेफेल्डाकार्ट हुआ, तो ये स्टेरॉयड मेडिसिन भी कॉम्बिनेशन में दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें मुख्य रूप से होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जितने भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इन मेडिसिन को आप लेने से पहले कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, और साथ साथ परहेज के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इस मेडिसिन की ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा दिनों की होती है। तो इनमें सबसे बेस्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है सल्फर सी, सल्फर जो कि 6CH की पोटेंसी में आती है। ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है एलर्जी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जैसे कि आपके हाथों में रेडनेस आ गई हो या आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो गई हो या फंगल की वजह से अभी आपको वहाँ पे खुजलाहट हो रही हो, तब उस कंडीशन पे ये मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर इस मेडिसिन के हम लेने के तरीके की बात करें तो इसको 2 ड्रॉप आप सुबह सो के उठे तब ले सकते हैं। वहीं इससे हाई फाई मेडिसिन और इससे अच्छी मेडिसिन साथ साथ भी दिया जाता है। इन सारे मेडिसिन को कॉम्बिनेशन करके जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसमें मेडिसिन जो है हिस्टामिनियम जो आती है, जिसको हिस्टामिन भी कहा जाता है, ये मेडिसिन 30CH की पोटेंसी में आती है। इस मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि एलर्जी की, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो उसको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, यानी आपको सुबह शाम और रात में लेनी होती है 2-2 ड्रॉप। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, ये मेडिसिन डुलकामरा आती है, जिसको काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि ये 200 की पोटेंसी में रहती है।
ये मेडिसिन आपको कॉम्बिनेशन में तीनों मेडिसिन आप साथ साथ में दे सकते हैं। ये मेडिसिन आपको 2 ड्रॉप्स रात में लेने होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। आई होप दोस्तों ये जानकारी अगर बेहद पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।